प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कहती है आस पास सपनों की नदियां बहती हैं, रोशन करना है जिसने घर आंगन को, वो रोशनी अपने ही अंदर रहती है। पास सपनों की नदियां बहती हैं। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? इन बच्चों ने तो हद कर दी है सच। सोने की कोशिश करो, शायद थोड़ी देर में नींद आ जाए। माँ बाप एक दिन के लिए घर से बाहर क्या गए, इन लोगों ने गदर मचा दिया। लगता है ये डांट खाए बिना नहीं मानेंगे। ये अनोखे हैं क्या? हम बच्चे नहीं थे क्या? हमने बच्चे नहीं देखे? मैं कहती हूँ आप बच्चों के बीच में ना पड़िए, थोड़ी देर में नाच गा कर थक जाएंगे तो खुद ही बंद कर देंगे। मुझे तो ये थकते हुए नजर नहीं आते। क्या हो रहा है अनुपम? योर ग्रैंडपा। क्या बात है बाबा? पहले इसे बंद करो। क्या बात है बाबा? आधी रात हो गई, लोगों को सोने नहीं दोगे क्या? जी अब चलते हैं यार। अरे यार रुको ना, थोड़ी देर बड़बड़ाकर खुद ही चले जाएंगे। जब अपने हाथ पांव चलने बंद हो जाएं, तो दूसरों के काम में टांग अड़ाने के अलावा इनके पास रखा ही क्या है? कुछ भी करो, इनके सर में तो खामखा ही दर्द हो जाता है। धीरे बोल, पीछे खड़े हैं। खड़े हैं तो खड़े रहें, किसी का डर लगा है क्या? नहीं यार, अब हम चलते हैं। हाँ हाँ, तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं कि तुम्हारे इस गाने बजाने से बूढ़े बीमार सो नहीं सकते। मम्मी, शायद दादाजी अनुपम को डांट रहे हैं। आप ही तो कहते हैं
किसी के जीने मरने से दुनिया के किसी काम में फर्क नहीं पड़ता। फिर बूढ़े बीमार तो बूढ़े बीमार ही हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं पागल हूं और पागल ही रहूंगा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या खाक समझने की कोशिश करूं? बड़ा मजा आया आपको हमारी इवनिंग स्पॉइल करके। इसे तुम इवनिंग कहते हो? यस, इवनिंग। हमारी उम्र के लोगों के लिए यही इवनिंग है, भले ही आपके लिए रात हो। हाँ बेटा, मेरे लिए तो हर तरह से रात हो गई। अरे आप आ गए? हाँ। आप तो कल ही आने वाले थे ना? हाँ, कुछ काम रह गया था, सोचा निपटा लूं। और यहाँ सब ठीक तो है? आप मुंह हाथ तो धो लीजिए, यहाँ का हालचाल भी बता देती हूँ। क्यों, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? नहीं, वो अनुपम में और दादाजी में कुछ कहा सुनी हो गई थी। अनुपम से क्या हुआ? दरअसल उसके कुछ यार दोस्त आए थे, देर रात तक नाचते गाते रहे। दादाजी ने मना किया तो अनुपम ने पलट के उन्हें जवाब दे दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं पिताजी से मिलके आता हूँ। कुछ खाना तो खा जाइए। आके खा लूंगा। मैं भी पागल हूँ, 2 मिनट रुक नहीं सकती थी। रोशन करना है जिसने घर आंगन को, वो रोशनी अपने ही अंदर रहती है। खंडहर की आवाज हवा से कहती है। आस पास कब आए बेटा? बस अभी अभी। जिस काम के लिए गए थे वो हो गया ना? जी, वो कल तक खत्म नहीं हुआ था इसलिए देर हो गई। आप ठीक है ना? हाँ ठीक ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। लेकिन आपके चेहरे के भावों और बातों में कोई तालमेल दिखाई नहीं दे रहा। इनका बस चलता तो ये मुझे भी कुछ ना बताते। बताइए ना क्या हुआ। ये थोड़े ही बताएंगे, बस कल से ऐसे ही गुमसुम बैठे अपने आप को चला रहे हैं। ऐसा क्या कह दिया उसने? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा उसने, सिर्फ आईना दिखा दिया है मुझे। साफ साफ बताते क्यों नहीं? वो कहता है कि मेरी जिंदगी की रात आ गई। ऐसा कहा उसने? मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। नहीं बेटा नहीं, तुम उससे कुछ नहीं कहोगे। उससे कुछ मत कहना, मुझसे कुछ मत कहना, बेटों से कुछ मत कहना, किसी से कुछ मत कहना, बस बैठे बैठे जलते रहना। वो रमाकांत से जो कुछ कहना है वो तो कह दो। कह दूंगा, कह दूंगा। सुबह तक रुक गया तुम्हारे, नहीं जाऊंगा मैं। ऐसा मत कहिए पिताजी, भगवान करे आपकी उम्र बहुत लंबी हो। वैसे अम्मा ठीक ही कह रही है, कह देने से मन का बोझ हल्का ही होता है। कह दूंगा बेटा, बता दूंगा। तुझे नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा? कल सुबह की चाय की प्याली के सहारे मैं अपने मन की सारी कड़वाहट उड़ेल दूंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अनुपम ने जो किया ठीक नहीं किया। ये बच्चे अकेले घर में छोड़ने के काबिल हैं ही नहीं। बेटी कोमल। जी पापा। अनुपम कहाँ है? वो सुबह से कमरे में बैठा नावल पढ़ रहा है। जा बुला उसे। बुलाना क्या है, लो चले आ रहे हैं साहबजादे। आओ। तुमने अपने दादाजी की जो बेइज्जती की उसका कुछ एहसास है तुम्हें? इसमें बेइज्जती की क्या बात है, उल्टा उन्होंने मेरी इंसल्ट की है। बदतमीज, जाओ अपने दादाजी से माफी मांगो जाकर। मैं क्यों मांगू माफी? माफी मांगे वो जिसने गलती की हो। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं।
जी पिताजी। बैठो बेटा। बहुत दिनों की जद्दोजहद के बाद मैंने ये तय किया है कि तुम्हें अब ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं। मुझसे कुछ भूल हुई है? तुम्हें किसी भूल से बचाने के लिए मैंने ये फैसला किया है। मैं समझा नहीं। मनोहर ने इतने सारे बच्चे पैदा करके घर की क्यारी को जंगल बना दिया है। तुम्हारा परिवार उस रोगग्रस्त क्यारी का वो हिस्सा है जिसे तुरंत अलग ना किया गया तो वो औरों के साथ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं तो आप लोगों से अलग रहने की बात सोच भी नहीं सकता। ये पेड़ जब अपनी एक डाल को तोड़कर अलग करने को तैयार है तो तुम्हें इतराज नहीं होना चाहिए। मनोहर के बच्चों को जो आदतें पड़ गई हैं, मैं नहीं चाहता कि गुड़िया को उसका असर हो। लेकिन पिताजी, गुड़िया अपनी पढ़ाई में हर्जा होने कहां देती है? जिद मत करो। एक अच्छे कल के लिए ये अलगाव जरूरी है। मेरा और कल क्या होगा? तुम्हारा कल है तुम्हारी गुड़िया। कल को पनपने से मत रोको। है तो मुश्किल, लेकिन आपका आदेश ठुकरा भी तो नहीं सकता। ये फल तो सूख चुका है, कभी भी टपक पड़ेगा, लेकिन मेरे सपने मुझसे मत छीनो। वादा करो। क्या था मेरा घर और क्या हो गया? बहू तो बहुत सुंदर लगती है। बिल्कुल चावल सी गड़ी लगती है। अरे देखो तो रानी आई है मक्खन। आंखें तो देखो मेरी देवरानी की, बिल्कुल हिरनी सी है। अरे आप कहाँ खो गए देवर जी? अभी से जादू चल गया क्या? क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ दोनों एक साथ कैसे लगते हैं। मैं सचमुच भाग्यवान हूँ। मैं कोई कम भाग्यवान हूँ? अच्छा सच सच बताओ, तुम्हें शादी से क्या क्या मिला? गिनाओ। हाँ, एक माँ समान सास, पिता समान ससुर, बहन समान भाभी, भाई समान जेठ, और एक और हाँ और एक अनाड़ी सा पति। अच्छा जी, तो हम अनाड़ी हैं। क्या बात है बहू, तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं माँ जी, सुबह से कुछ खाया नहीं। फिर भी मुझे पता है, गुड़िया को अब एक साथी की जरूरत है ना, इसीलिए। मनोहर, क्या बात है माँ? बहू का कुछ खास खाने पीने को मन किया करे ना तो ला दिया कर। इन दिनों में तो इन दिनों मतलब ज्यादा बन मत। अच्छा अच्छा, मैं सुशीला से कह दूंगी, रसोई वो देख लिया करेगी। ठीक है। सच सच बताना, हमारे घर महाराणा प्रताप आने वाले हैं, रानी पद्मावती। आला उदर। तो एक साथ। Thank you.
अरे भाई, हलवाइयों का खाना तैयार हुआ या नहीं अभी तक? हो रहा है जी। उनसे कहो जल्दी करे, मेहमान आ गए हैं। अच्छा जी। हाँ लाला जी, पोता होने की बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको भी हो। आइए आइए। खुशबू सारे जंगल में, ओ सूरज उग आया हो जैसे खंडहर में, इस खुशबू से धरती सारी महकी है। खंडहर की कितना प्यारा मुन्ना है। अरे अरे अरे, अरे रोना नहीं, रोना नहीं। भूख लगी है? हाँ दूध पीना है? हाँ अरे बहू, इसको भूख लगी है। लिए गोद करी मोद समेता, गो कहे सक ही बहु सुख जेता, वधु स प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्ष दुलारी। बहू बहू, मुन्ने को मुझे तो दे जा। मुन्ने को तो उसके दादाजी बुला रहे हैं। अरे ला मुझे देना, इसे दिचवन तो लगा दूं। ओले नो नो, ओले कहीं पोते की नुमाइश करते करते इसे नजर लग गई तो नो नो, जाएगा जाएगा अपना बाबा। अच्छा जो 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 दादू पास चलते हैं। चलो बस, अब गए अपने दादाजी के पास और वो इसे हीरे जवाहरात की पोटली बनाकर दुबका कर बिठा लेंगे। देखे समाज मुद्र निवासु, सबके उर आनंद किए वासु, के उभूप जिमि भयु विबाहु, सुनि सुनि हर्ष होत सब काहु। पता नहीं ये क्यों सुबह से रोए जा रहा है। क्या बात है, बहुत थकी थकी लग रही हो। पता नहीं, आजकल कुछ ज्यादा ही थक जाती हूँ। डॉक्टर को दिखाना चाहोगी? नहीं, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, देखो। सुनो, अब हम बाल बच्चे वाले हो गए हैं, अब हम सिर्फ अपने बारे में तो नहीं सोच सकते ना। अरे अभी से इतनी गंभीर हो जाओगी तो सारी जिंदगी कैसे खिंचेगी। खड़ी हो, चलो खड़ी हो ना। ऑफिस से निकलते वक्त खरीदा था, पता नहीं मुरझा सा क्यों गया। शायद इस चेहरे पे अभी यही फपेगा। तुम अभी काफी सुंदर लगती हो। तुम्हारे सुंदर शब्द के आगे काफी लगा देने से ही इस बात की पुष्टि हो जाती है। तुम्हारी शक्ल सचमुच पीली लग रही है, नहीं? हाँ शायद। मेरा चश्मा देना जरा। सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? यूं ही जरा बैंक की ओर जा रहा हूँ। ये मत भूलना कि अब पेंशन ही तुम्हारी कमाई का साधन है। अनुपम के समय जैसा जश्न हुआ वैसा बार बार नहीं हो सकता। तुम तो अभी से ऐसे कहने लगी, कहीं दो चार और हो गए तो। दो चार और? ससुर कुल पूरन चलो मोरी जग, सासुर कुल
सगन करना था सो कर दिया। चलती हूँ, जरा रसोई देख लो। हाँ तो मम्मी, क्या लाई थी? ससुर बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। देखो, चिंता मत किया करो। ये लो, कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लो। पैसे? ये कौन थे क्या? भैया आए थे मुन्ना को देखने के लिए, बस जाते आते हाथों में थमा गए। पर तुम्हें उनसे पैसे लेने की क्या जरूरत थी? मैंने कौन सा उनसे पैसे मांगे, अपनी खुशी से दे गए। और फिर इन पैसों से छोटी मोटी दावत तो हो ही सकती है ना। देखो, बाबूजी की पेंशन से हम लोग कब तक मदद लेते रहेंगे? फिर तुम्हारी तनख्वाह तो घर के खर्चे में ही लग जाती है। अम्मा जी कह रही थी कि ज्यादा टीम टाइम करने की क्या जरूरत है। मैं जश्न मनाने के लिए थोड़े ही कह रही हूँ, पर थोड़ा कुछ तो होना ही चाहिए ना। अगर दावत के बिना चल सके तो? बस इतने में घबरा गए। लो पैसे रख लो। ले लो बाबा। वन टू हाँ। क्या कर रही है? यहाँ से इसको पहले खाना खा लो बिटिया, फिर खेलना। ओहो मम्मी, मजा मत किरकिरा करो। मुझसे खाना लगवा लेते हैं और फिर इंतजार करवाते हैं। वैसे मम्मी की शिकायत जायज है, बसी-बाजी खेल लें फिर खाना खाएंगे। वैसे मुझे भी तुमसे एक शिकायत है। मुझसे? क्या? जितने मन से तुमने खाना बनाया है उतने ही मन से मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया था, तुमने पहनी क्यों नहीं? भाई बड़ी चटकीली साड़ी है, किसी खास मौके पर ही पहनूंगी। I'm for papa. पहले साड़ी पहनो, फिर ही खाना खाएंगे। क्या कर रही है? ठीक से खेलो। अच्छा चलो, मेरी बारी है। हाँ चलो चलो। देखो मम्मी, मेरे पास कितने कंचे हैं। बाद में देखूंगी बेटा, गुड़िया सो रही है, तंग नहीं करो। मत करो, तुम्हें मना कर रही हूं ना मैं। अंदर जाकर पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ना लिखना है कि नहीं तुम्हें? छोड़ो ये कंचे, छोड़ दो इन्हें, सो जा। ममता, मेरे मोजे कहाँ हैं? या तुम इसको उठा लो या इसको बाहर ले जाओ कहीं। कमाल करती हूँ, मैं दफ्तर जाऊं या बच्चे खिलाऊं? मोजे कहाँ हैं मेरे? ये लो तुम्हारे मोजे। तुम्हें मोजे देने जा रही थी, ये बच्चा रोने लग गया। सुनो, जाते वक्त बाबूजी से मिलते जाइएगा। क्यों, कोई खास काम है क्या? उनको लगता है कि हमें घर के खर्चे में ज्यादा पैसे देने चाहिए। दे देंगे। पर कब तक? उनकी औकात हलवा पूरी खाने की है तो वो खाएं, हमें तो अपनी तनख्वाह देखकर खर्चा करना पड़ेगा ना। मेरी मानो तो तुम बाबूजी से बात कर लो और रसोई अलग कर लेते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? रसोई अलग कर लो। मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें को कुछ नहीं समझ आता है। ये दोनों सबकी आंखों में गड़ने लगे हैं। दादाजी, ये तो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया।
दिखा कौन सा? ये वाला। हाँ, ये ऐसा है, जब सारी शक्तियां एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाएं तो वो जीरो कहलाता है और वही शक्तियों का संतुलन भी बन जाता है। इससे ठीक उल्टा है, जब शक्तियां जीरो से हटकर अपना स्थान बदल लेती हैं तो वहां संतुलन हो जाता है। समझी? नहीं। इसको ऐसे समझो, तुमने रस्सा कसी का खेल देखा है? हाँ देखा है। तो उसमें जब दोनों टीमें समान ताकत लगाकर रस्सी को अपनी तरफ खींचती हैं तो टीमें और रस्सी अपनी जगह से नहीं हिलती, मतलब दोनों टीमों में संतुलन है। लेकिन जब एक टीम ज्यादा ताकत लगाकर रस्सी को अपनी तरफ खींच लेती है तो संतुलन बिगड़ जाता है। क्यों? हाँ मैं समझ गई। शाबाश दादाजी। हाँ। You are a genius। बेटा जी, मेरे कुछ भी होने का कोई मतलब नहीं है, अब तो आपको जीनियस बनना है। अच्छा। बहुत पगली। ले। मम्मी कहाँ कर लियो? पानी दे रही हूँ। पानी दे लियो, ये लो। रोशन करना है। पता नहीं ये शैतान कहाँ से पैदा हो गया। मैंने कोई कला है? हाँ नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, ये गमला तुम्हारे रास्ते में आ गया था। खुराफात करने को कह दो इस कमबख्त से। चलो यहाँ से, चलो। अरे किस कमबख्त ने चश्मा तोड़ दिया? क्या हुआ, मंत्रोच्चारण की जगह बच्चों को गालियां क्यों दे रही हो? देखिए तो चश्मे का क्या हाल किया है, ये घर घर थोड़ी रहा, जब देखो तब धमाचौकड़ी मची रहती है। बच्चे हैं, शरारत तो करेंगे ही। हाँ जी, ये तो अनोखे बच्चे हैं ना। क्या हुआ माँ जी? देखो तो चश्मा तोड़ दिया, देखो जरा। अरे कुछ लाने को कहो तो दुनिया भर के खर्चे का हिसाब गिनाने लगते हैं और तोड़ फोड़ करने के लिए भेज देते हैं राक्षसों को। मैं गुड़िया से पूछती हूँ। अरे नहीं, रहने दो बहू, मनोहर के बच्चों की शरारत होगी, तुम जाओ। तुम भी बेकार अनाप शनाप बोलने लगती। अनाप शनाप की क्या बात है, सच बात तो कही मैंने। अनुपम बेटा, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छे बच्चे नहीं पलते। दीवारों के साए ऐसे टूट गए, पत्ते देखो पेड़ों से जैसे रूठ गए। दीवारों के साए ऐसे टूट गए, पत्ते देखो पेड़ों से जैसे रूठ गए। पत्तों की पीड़ा साए में रहती है, सपनों की नदियां बहती हैं। रोशन करना है जिसने घर आंगन को। लाओ दीदी मुझे भी दो ना। लाओ दीदी मुझे भी दो ना प्लीज। हट थोड़ी के, क्या मुझे भी दे दो प्लीज। दीदी दीदी मुझे भी दे दो प्लीज। हट बदतमीज। तू होगी बदतमीज। ठहर अभी बताती हूँ बदतमीज कौन। मैं माँ से कह दूंगी। छोड़। मैं माँ से कह दूंगी। छोड़ मुझे, मेरी छोटी खींचती है। छोड़ ना। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं पापा, हम ये वीडियो गेम मेहता जी के घर से लाए थे। पापा ये वीडियो गेम मेरे को नहीं खेलने दे रही। कोमल जा अंदर जा।
खुद तो पढ़ाई वढ़ाई करती नहीं है, उसे भी अपने साथ बिगाड़ोगी। क्या हो गया? देख रही हो अपनी बिट्टी के गुण? मेहता जी के घर से वीडियो गेम लेकर के आई। बिट्टी, पापा ठीक बोल रहे हैं? अरे है ही क्या, आप बोलने को दिख नहीं रहा सामने। क्यों, क्या तुमने ऐसा? तो फिर आप लोग हमें वीडियो गेम लेके क्यों नहीं देते? कोई जबरदस्ती है क्या? देख रहा हूँ तुम्हारा मन आजकल पढ़ने की बजाय खेलों में ज्यादा लग रहा है। सब खेलते हैं, फिर हम क्यों ना खेलें? फिर गुड़िया दीदी भी तो खेलती है। तुम गुड़िया की बराबरी नहीं कर सकती। क्यों, क्यों नहीं कर सकती बराबरी? चाहती है कि एक लगाऊं खींच के भी। बिट्टी अंदर जा। इसे खाली समय में कुछ सिलाई कढ़ाई सिखाया करो। दिन भर घर में बैठी बैठी बच्चों तो को नहीं संभाल सकती, मैं क्या क्या करूं? घर भी संभालूं, दफ्तर भी संभालूं। मैं भी कोई सारे दिन खाली नहीं रहती, चरखी की तरह घूमती रहती हूँ। अभी ये बच्चे बच्चों की तरह हो तो ना, तूफान है, एक दिन इन तूफानों को संभाल कर देख लो, सब समझ आ जाएगा कि बच्चा पालना क्या होता है। आंधी हो या तूफान, है तो तुम्हारे ही ना। बिट्टी के समय मैंने कहा था कि मुझे और बच्चा नहीं चाहिए, तुमने तो बस कह दिया। अरे माँ बनो तो जानो कि 9 महीने बच्चे को पेट में रखने के बाद कितना मुंह हो जाता है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी तुमने ऑपरेशन से इनकार कर दिया। सारी मुसीबत की जड़ मैं ही हूँ, आप ही ने क्यों नहीं उबार दिया हमें इस मुसीबत से? मुझे जो करना है या था उसमें तुम्हारे सलाह मशवरे की कोई जगह नहीं है, समझी? मैं तो अनचाहे बच्चों की माँ हूँ ना, इसलिए मेरे भाग्य में तो बच्चों के हिस्से की भी डांट है और अपने हिस्से की भी। तुम हो इसी लायक। दादी ये क्या कर रही हो? सी रही हूँ। आंख से तो दिखता नहीं है, सिलने चली हो। मुझे दे दो, लाओ। अरे बहुत सा है, तू नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाऊंगी तब कहना, अभी तो दे दो। अरे ये क्या ले आई? मामी ने आपकी पसंद का खाना बनाया है। तुझे इतना समय कैसे मिल जाता है? मुझे काम ही क्या होता है, इनके दफ्तर जाने के बाद तो बस समय ही समय। गुड़िया तो समझदार है, अपना काम खुद कर लेती है ना? ला, सुई ध्यान से पकड़ाना, कहीं गिर ना जाए। ये आप सी रही थी? मैं मर जाऊं ना तब किसी और से करवाइएगा। अच्छा बाबा, नहीं सीऊंगी, ठीक है। थक गई माँ जी। क्यों बहू, आज अनुपम स्कूल नहीं गया क्या? स्कूल ही तो गया है माँ जी, मगर मैंने तो उसे डिस्पेंसरी के सामने वाले पार्क में क्रिकेट खेलते देखा है। क्रिकेट? कहीं आपने कोई और लड़का तो नहीं देखा माँ जी? मैं अपने पोते को नहीं पहचानती क्या? आने दीजिए माँ जी, आज उसको अच्छी खबर लूंगी उसकी मैं। माँ, दादी माँ। लो आ गया, चलो रसोई की तैयारी करूं। अरे कहाँ जा रही हो? बहुत थक गए होगे ना तुम आज पढ़ पढ़ कर। हाँ, जो स्कूल में कुछ। खबरदार जो एक शब्द आगे बोला तो। बेशरम मक्कार, वहाँ खेल रहे थे और यहाँ बोलते हो स्कूल गए थे तुम। कौन कहता है? तुम्हारी दादी कहती है। उन्हें ठीक से दिखाई तक तो देता नहीं, उन्हें तो चारों ओर सिर्फ मैं नजर आता हूँ। अभी पूछता हूँ किसे देखा था उन्होंने। दादी माँ, अनुपम, अनुपम,
नमस्ते चाची। अरे राजन, इतने दिनों से दिखाई नहीं दिए बेटा। इम्तिहान आ रहे हैं ना इसलिए। इम्तिहान कब से हैं? ये अनुपम तो कभी किताब लेके बैठता ही नहीं बेटा। आज वो स्कूल क्यों नहीं आया चाची? तुम्हारी चाची का बेवकूफ़ बना गया। आज हम लोगों का टेस्ट था, प्रिंसिपल ने कहा है जो इन टेस्टों को नहीं देगा उसे फाइनल इम्तिहानों में नहीं बैठने देंगे। अनुपम, अनुपम। क्या है? सुना तुमने राजन ने क्या कहा? हाँ सुना। अब लगाओ तुम्हें खींच कर दो थप्पड़। क्यों, क्रिकेट खेलने में क्या बुराई है? अच्छा आने दो आज तुम अपने पापा को। कह देना ज्यादा से ज्यादा मार ही डालेंगे ना। चलो राजन। बिट्टी क्या पढ़ रही है? मम्मी ये मेरी ये मैमे क्या लगा रखी है? इधर ला, क्या छिपा रखा है पीछे? जी 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 मम्मी ये मेरी नहीं है, ये तो अनुपम की है, मैंने तो अभी तक पढ़ी भी नहीं। झूठ बोलती हो तुम, शर्म नहीं आती ऐसी किताबें पढ़ते हुए? अरे तुमने और अनुपम ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। मम्मी प्लीज पापा को मत कहना। बहू रोशन करना है जिसने घर आंगन को, वो रोशनी अपने ही अंदर रहती है। पापा क्या बात है? बताने का कोई फायदा हो तभी तो बताऊं। साफ साफ बताओ, पहली मत बुझाओ। स्कूल से लड़के कश्मीर जा रहे हैं। जब खुद कमाना तब जाना कश्मीर, अश्मीर समझे? कमाऊंगा तो सिर्फ अपने लिए थोड़ा ही कमाऊंगा। मैं क्या अकेले अपने लिए कमाता हूं? जानते हो घर का खर्च कितना है? तनख्वाह से पूरा नहीं पड़ता, इसलिए ऑफिस में रात 10-10 बजे तक ओवरटाइम करना पड़ता है। और फिर भी अम्मा जी और बाबूजी को कमाई का एक थैला तक नहीं दे पाता। मत दीजिए पैसे, नहीं जाऊंगा कश्मीर, बस। ये सब आप मुझे क्यों गिना रहे हैं? तुम्हें ना गिनाऊं तो क्या अपने बाप को गिनवाऊं? गलती अपनी कोसे हमें। क्या कहा तूने? क्या कहा? अबे दीदे फाड़ फाड़ के देखेगा तो आंखें फोड़ देंगे। बदतमीज, बेवकूफ। क्या हुआ? हाँ बेटा क्या हुआ? पिताजी तो तैयारी हो गई बेटा? जी पिताजी, बाहरी तैयारी तो हो गई लेकिन अपना मन ही छोड़े जा रहा हूं। दीवारों के साए ऐसे टूट, सुखी रहो। पत्ते देखो दादाजी, अपना ख्याल रखना। रूट गए दीवारों के साए ऐसे टूट गए, पत्ते देखो पेड़ों से जैसे रूट गए, पत्तों की पीड़ा साए में
रहती है, खंडहर की आवाज हवा से कहती है, आस पास सपनों की नदियां बहती है, रोशन करना है जिसने घर आंगन को, वो रोशनी अपने ही अंदर रहती है, खंडहर की आवाज हवा से कहती है, खंडहर की आवाज हवा से कहती है। अनुपम, क्या है? जरा बाजार से 2 किलो आलू ले आओ। माँ मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? एक डांस का प्रोग्राम है। क्यों, घर में रेडियो टेलीविजन काफी नहीं है? अकेले गाने बजाने का क्या फायदा? क्यों, घर में भाई बहन के साथ नहीं गा बजा सकते? दादाजी की वजह से मैं इस घर में किसी को बुला भी नहीं सकता। अपने घर में जगह भी कहाँ है? इस घर में है ही क्या, मेरा तो मन करता है मैं घर के बाहर ही रहा करूं। जिस तरह से दादाजी ने मेरे दोस्तों को डांटा, वो इस घर में आने का नाम ही नहीं लेते। ठीक ही तो किया उन्होंने, तुम लोगों ने शोर मचा कर घर सिर पे नहीं उठा लिया था। इस घर के शोर से तो मैं भी भागना चाहता हूँ। तो जाओ, जहाँ जी करता है जाओ, जब किसी का कहना नहीं मानना तो पूछना भी क्या है। पूछ कौन रहा है, मैं तो सिर्फ बताने आया हूँ। इसकी बातें सुन के मेरे तन बदन में आग लग जाती है, इससे कह दो मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए, वरना। जाता क्यों नहीं है, क्यों गुस्सा दिला रहा है? क्या बात है, किस पर नाराज हो रहे थे? तुम ना भी बताओ फिर भी मैं समझ सकता हूं, अनुपम को डांट रहे थे ना? बाबूजी, आजकल के लड़कों को पढ़ने लिखने में कुछ ध्यान ही नहीं रहता, जब देखो बस घूमने और खेलने की पड़ी रहती है। साहबजादे कहकर गए हैं रात को देर से लौटेंगे, दोस्तों के घर में नाचने गाने का प्रोग्राम है। इसमें सारी गलती उनकी नहीं है, थोड़ी गलती मेरी भी है। उस दिन उनके काफी हल्ला गुल्ला मचाने पर मैंने ही थोड़ा बहुत डांट दिया था। उसी दिन से देख रहा हूं कि बच्चे ज्यादातर घर से बाहर रहते हैं। लड़के तो ठीक है, लेकिन उनकी देखा देखी बिट्टी भी बाहर रहने लगी है। कई दिन से सोच रहा था कि तुमसे बात करूं, लेकिन फिर सोच कर ही रह जाता हूं। बाबूजी, तब से आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। अरे मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा कि मेरी वजह से तुम भी खड़े हो, बैठो। अब तो लगता है ये घर घर ही नहीं रहा, जानते हो इसकी वजह क्या है? जानता हूं बाबूजी, लेकिन मजबूरी है, अब समय को वापस तो लौटाया जा नहीं सकता। बच्चे जब पैदा होते हैं तब कोई सोच भी नहीं सकता कि यही बच्चे एक दिन दुख का बायस बन जाएंगे। याद है तुम्हें साइकिल सिखाते हुए मैं बार बार किस बात पर जोर देता था? हाँ, शायद आप ब्रेक पर कंट्रोल रखने की बात करते थे। हाँ, मैं तुमसे कहता था कि सिर्फ साइकिल में नहीं, जिंदगी में कहाँ रुकना है ये जानना बहुत जरूरी है। जरा सी भूल हुई नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं। ईश्वर ने विवाह का विधान सृजन के लिए बनाया है, लेकिन सृजन के नाम पर तुम्हें सिर्फ अपने हिस्से की रचना करने का अधिकार है। आप ठीक कहते हैं बाबूजी, हमारे लिए तो 2 बच्चे ही काफी थे, लेकिन हमने देश के लिए पूरी फौज खड़ी कर दी। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, इससे तुम्हारे बच्चों को ही कोई सबक मिल जाए तो मैं ये समझूंगा कि तुम्हारी भूल का प्रायश्चित हो गया। तुम्हारी भूल बड़ी महंगी पड़ रही है तुम्हारे बच्चों को।
बेटी आई नहीं अभी तक? हाँ, वो किसी सहेली की शादी पर गई है। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। हाँ, 10 भी बज गए हैं। किस सहेली के यहाँ गई है पता है कुछ? बताकर कब जाती है? हाँ, वो रमाकांत भाई साहब के घर के पास कहीं रहती है, कहीं बिट्टी वहां ना गई हो। देखता हूँ, आज वहीं जाके उसकी खबर लेता हूँ। सुनो, बिट्टी को उसके दोस्तों के सामने मत डांटिएगा। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनके साथ बड़ों जैसा व्यवहार ही ठीक है। ये इतनी कम रोशनी में बैठे क्या हिसाब किताब कर रहे हो? ये मनोहर के कमरे की लाइट अभी तक क्यों जली है? तुम सो क्यों नहीं जाते? इस घर में नींद का नहीं आना कोई नई बात तो नहीं है। हाँ, लगता है सबको तो यहाँ जैसे नींद ना आने की बीमारी सी हो गई है। सारे बच्चे हाथ से निकल गए। बच्चे कोई डोर डंगर तो है नहीं कि उन्हें लकड़ी से हाँक दिया जाए, संभाल कर रखना पड़ता उन्हें। ज्यादा बच्चे और संभाल कर रखना कोई आसान काम है क्या? देखती हूँ क्या बात है। बहू, ये मनोहर कहाँ गया है? अब क्या बताऊँ माँ जी, ये बच्चे तो किसी की सुनते ही नहीं। बिट्टी अपने किसी दोस्त के यहाँ शादी पर गई है, ये उसी के पीछे गए हैं गुस्से से भरे हुए। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। अरे मनोहर चाचा, आप सब खैरियत तो है? बेटी तो नहीं आई यहाँ? नहीं, क्यों, क्या बात है? नहीं, यहीं कहीं उसकी किसी सहेली की शादी है, वहाँ आई थी, मैंने सोचा शायद यहाँ ना आई हो। नहीं, बेटी दीदी तो शायद पूजा के घर होंगी। अरे मनोहर, तुम इतनी रात गए, कैसे आना हुआ? भाई साहब, बिट्टी अभी तक घर नहीं पहुँची। बिट्टी अभी तक नहीं पहुँची? पूजा के घर ही होंगी, और कहाँ जाएंगी। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ देखते हैं। आओ। चलो। क्यों रे बिट्टी, घर पर बताकर नहीं जा सकती थी क्या? जाओ अपने कमरे में, तुम्हारी माँ कब से इंतजार कर रही है। अब जो हो गया सो हो गया, आगे की सोचो। बाबूजी, मैं बेटी की शादी के बारे में सोच रहा हूँ। जो करना है सोच समझ के करना, रात बहुत हो चुकी है, चल सो जाओ। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ बेटी की शादी कर देनी चाहिए अब। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। कोई लड़का है नजर में? हाँ, वो बाबूजी के दोस्त का पोता है ना, उसी के बारे में सोच रहा था।
पर हमें बस देने दिवाने के लिए भी तो कुछ नहीं। शायद वो लोग बाबूजी का लिहाज करके कुछ ना मांगे। फिर तो कल ही बात कर डालो। सो जाओ। बिल्कुल सही जी हाँ। हाँ तो बेटी, तुमने किन किन सब्जेक्टों में अपना बीएससी की है? जी, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे बेटे ने भी फिजिक्स में बीएससी की है। अब तो इसे बाहर जाने के लिए फेलोशिप भी मिली है। आप कुछ लीजिए ना। अच्छा बाबूजी, आपकी बेटी को विदेश में जाने के लिए कोई एतराज तो नहीं होगा? हमें क्या एतराज हो सकता है, शादी के बाद आप जहाँ ले जाएंगे चली जाएगी। लीजिए ना, आप कुछ मीठा तो लीजिए। जी बस, अब हम चलते हैं। जो भी फैसला होगा वो हम आपको 10-15 दिनों में बता देंगे। अच्छा जी, नमस्कार। अच्छा जी, नमस्कार। चलो जा बेटा, छोड़ क्या। क्यों बेटी, खुश तो है? हाँ। अरे ये तो लड़के वालों के यहां से लगती है। अरे सुनती हो, जरा मेरा चश्मा तो लाना। चश्मा अपने पास ही क्यों नहीं रखते? हाँ? क्या हुआ बाबूजी? देख बेटा, मेरे ख्याल से लड़के वालों के यहां से खत आया। अच्छा, जरा पढ़ तो। वहीं से है ना? हाँ जी। हाँ पढ़। क्या लिखा है? लिखा है, आपके यहाँ से आने के तुरंत बाद मैं चिट्ठी नहीं लिख सका, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। शरीफ लोग लगते हैं, वरना वर पक्ष वाले तो 100 गुना करके भी माफी नहीं मांगते। आगे पढ़ो बेटा। लिखा है, मेरे बेटे को लड़की पसंद है और उसने शादी के लिए हामी कर दी है। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। आगे पढ़ो बेटा। हाँ जी, आगे लिखा है कि शादी जल्दी करना चाहते हैं, लड़के का वीज़ा तैयार है और वो बहू को अपने साथ विदेश ले जाना चाहता है। वैसे तो सब ठीक है, पर 2 महीने में सारा इंतज़ाम हो जाएगा? अरे आगे तो सुनो। लिखते हैं कि वैसे तो हमारी कोई मांग नहीं है, पर अगर आप रमेश और उसकी पत्नी के विदेश जाने का खर्चा उठा लें तो मुझे आपके यहाँ शादी करने में कोई एतराज़ नहीं है। क्या खर्चा बनता होगा विदेश जाने का? मुझे लगता है कि मैं उनकी ये शर्त पूरी नहीं कर सकूंगा। कैसी बातें करते बेटा, इतनी मुश्किल से इतना अच्छा लड़का मिला है, अब पैसों का इंतजाम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। बहू। जी बाबूजी। बहू तुम बता रही थी कि लड़के वालों ने 1 महीने का समय दिया है, मनोहर ने उत्तर दिया या नहीं? बाबूजी पैसों का इंतजाम हुआ नहीं है, उत्तर क्या देंगे। ये कह रहे थे कि कल खुद ही जाकर उन लोगों को घर की हालात समझाने की कोशिश करेंगे। अरे कोशिश वोशिश वो कुछ नहीं करने वाला, मैं उसे जानता हूँ। उसको बुलाओ मेरे पास, उसे कहो कल की बजाय आज ही जाए। मैं अपनी गांव वाली जमीन बेच दूंगा, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, इतना अच्छा रिश्ता फिर कहां मिलेगा। जी जो बुलाओ उसे। जी बाबूजी। अनुपम, गुड़िया, कोमल, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अरे मैं ना कहती थी भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए। प्यारी ममता, मैं हार गया, खुद का उगाया जंगल मुझे लील ले गया।
मैं शर्मिंदगी और मजबूरी की जहरीली हवा में और नहीं जी सकता। मैं जानता हूं कि सच्चाई से भागना कायरता है, पर क्या करूं, बर्बादी का गड्ढा मैंने खुद खोदा है। इसमें ही दफन हो जाना मेरी नियति है। अब तुम ही बच्चों की देखभाल करना। लोग अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति छोड़कर जाते हैं, मेरे पास उनके नाम पर छोड़ने के लिए नसीहत के अलावा कुछ भी नहीं है। इमारत का खंडर हो जाना क्या होता है मैं जानता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरा घर बर्बाद हुआ वैसे किसी और का हो। मुझे माफ करना। अलविदा, तुम्हारा मनोहर। बाबूजी, 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 बाबूजी। क्या हुआ बहू? क्या क्या ये? चिट्ठी। क्या? बस बहू। मैं लुट गई भाभी, बर्बाद हो गई। अपने को संभाल ममता, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत से काम ले बेटा, सब बर्बाद हो गया बेटा। पिताजी, पहले मैंने भी यही समझा था, लेकिन आपकी गुड़िया ने सब ठीक कर दिया। क्या दादाजी, मैं कॉलेज जा रही थी, वहाँ रेलवे लाइन के करीब करीब मैंने चाचा जी को चलते हुए देखा। उन्हें वहाँ देखकर मैं समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन कुछ लोगों की मदद से उन्हें संभाल लिया। शाबाश बेटे, शाबाश। क्या मनोहर जिंदा है? हाँ दादी, लेकिन उन्हें आपके सामने आने में शर्म आ रही है। चाचा जी, अरे पगले, इतना बड़ा फैसला करने से पहले मुझसे तो पूछ लिया होता। देख, मैंने अपनी जमीन बेचने के लिए कह दिया है। बाबूजी, मैं किस लिए हूं? और फिर मेरा तो और कोई खर्चा भी नहीं है। एक बाप की मजबूरी देखिए, नसीहत के अलावा कुछ नहीं दे सकता। नसीहतों को कम मत समझना बेटा, अगर उन पर अमल हो जाए तो कितने घर बर्बाद होने से बच जाए और कितनी इमारतें खंडहर होने से। एक फूल की खुशबू सारे जंगल में, ओ सूरज उग आया हो जैसे खंडहर में, इस खुशबू से धरती सारी महकी है। खंडहर की आवाज हवा से कहती है।